हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना के समय में अपना ध्यान सब लोग रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वन कंसेप्ट अ डे द हिंदू सीरीज हमारी चल रही है। हालांकि जो आज मैं कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ ये अभी तक हिंदू में आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज कांड हुआ है, कल के अखबार में आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये टॉपिक तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। फोटो देखकर आप समझ गए होंगे जनाब, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं विकास दुबे जी। मैं विकास दुबे, कानपुर वाला, ठीक है। कल काफ़ी ज़्यादा ही ये वायरल हो रहा था न्यूज़ में। तो आज सुबह सुबह हमें खबर मिली कि दुर्घटना में विकास दुबे जी को उड़ा दिया गया। अब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि ये जो पुलिस है उसने सोच समझ कर प्लान्ड एनकाउंटर ये है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्लान्ड एनकाउंटर नहीं है, विकास ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने मार दिया। अब मुझे इस चीज़ में, देखो, जज तो हम में से कोई भी नहीं है, ठीक है। जो बच्चे ज्यूडिशियरी का पेपर देने वाले हैं और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी ये बात सोच लें कि वो भी अभी जज बने नहीं है। जब वो जज बन जाएं और उनकी कोर्ट में केस आए तब वो इसका फैसला करें कि सही हुआ या गलत हुआ। तो अभी जज बने नहीं है तो अपना काम ये नहीं है कि सही गलत क्या देखें। अपने को ये समझना है कि इसमें हमारे लिए कंसेप्ट क्या निकल के आता है, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आते हैं और स्टेट सर्विसेज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल आते हैं स्टेट सर्विसेज के लिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए अपने लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में मेनली हम क्या पढ़ेंगे, तो कुछ गाइडलाइंस आई हैं टाइम टू टाइम। एक आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं फेक एनकाउंटर से रिलेटेड, ठीक है। और एक आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी कुछ गाइडलाइंस दी फेक एनकाउंटर से रिलेटेड। तो इन गाइडलाइंस का विश्लेषण हम करेंगे। इन गाइडलाइंस में हम देखेंगे कि NHRC ने अपनी गाइडलाइंस में क्या बोला या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में क्या बोला। मेनली हम ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे और इन पॉइंट्स को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में, ठीक है। अगर आपके मेंस के आंसर्स में आपसे कुछ पूछा जाता है कि सजेस्ट, तो सजेशंस आपको देना है या इलैबोरेट आपको करना है तो वहां पर आप ये नहीं लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपका नाम XYZ है, मी XYZ फील्स दैट, नो, यू विल नॉट यूज सच वर्ड्स। यू विल से अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2014, पॉइंट्स लिखोगे नीचे, नंबर बरसेंगे, ठीक है। तो NHRC की गाइडलाइंस से शुरू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए फॉर्डर पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा, अब कोई भी इस चीज़ पे मुझ पर गुस्सा मत हो जाना कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो विकास दुबे के साथ हुआ वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी या एनकाउंटर जानबूझ के किया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा, अभी तो मीडिया ऐसा कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि मैंने ऐसा कह दिया। तो एनकाउंटर किलिंग्स, बहुत सारे लोग जब भी एनकाउंटर होते हैं तो कंटेस्ट होता ही होता है वो आइडिया कि क्या ये फेक एनकाउंटर था या फिर ये एक जेन्युइन एनकाउंटर था। अभी पिछले साल तेलंगाना में भी एनकाउंटर हुआ, 4 रेपिस्ट को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। उस समय भी ये बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्या ये एनकाउंटर जो है ये फेक एनकाउंटर है, क्या ये एक स्क्रिप्टेड एनकाउंटर है। तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा उठने लगे और फिर NHRC और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी इस तरह की कंप्लेंट्स आने लगी। अल्टीमेटली NHRC और सुप्रीम कोर्ट को अपनी अपनी गाइडलाइंस देनी पड़ी। तो एक एक करके दोनों की गाइडलाइंस हम समझेंगे। NHRC की जो गाइडलाइंस है उसका बैकग्राउंड जाता है 1997 में। उस समय NHRC के चेयरमैन जो हुआ करते थे, चेयरपर्सन हुआ करते थे, वो थे आपके MN वेंकटचलिया, ठीक है। अब ये वेंकटचलिया साहब जो थे 1993-94 में चीफ जस्टिस थे इंडिया के, और उस समय जस्टिस साहब ने ये नोट किया कि हमारे कानून के तहत हमारे जो लॉज हैं वो पुलिस को किसी भी तरह की पावर नहीं देते हैं कि वो किसी व्यक्ति का कत्ल कर सकें, किसी व्यक्ति का खून कर सकें। लॉज में प्रोसेस गिवन है कि अगर आपको किसी की लाइफ लेनी भी है तो उसका प्रॉपर एक प्रोसेस गिवन है कि कोर्ट उसको डेथ का जो है सजा देगी, उसके बाद ही उसको वो पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन पुलिस के हाथ में ये पावर नहीं है कि पुलिस जिसको सही समझे या जिसको गलत समझे अपने हिसाब से उनको सजा दे सके, ठीक है। और अगर ऐसा पुलिस वाला करता है, अगर एक पुलिसमैन जो है वो जानबूझ करके एक पर्सन को मारता है, एक व्यक्ति को मारता है, चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो, ठीक है, चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो, अगर वो जानबूझ कर उसको एक फेक एनकाउंटर में मारता है तो उस हिसाब से जो पुलिस ऑफिसर है ही इज कमिटिंग अ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। और ये जो ऑफेंस है उसके लिए उसको बाकायदा अंडर लॉ पनिशमेंट दी जाएगी पुलिस ऑफिसर को भी। ऑलराइट, तो वेंकटचलिया साहब ने ये बोल दिया। अब 1997 में जब भाई साहब चेयरमैन थे, जस्टिस साहब जब हमारे चेयरमैन थे,
तब इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को एक बात लिखी कि द कमीशन हैज बीन रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक एंड फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंस्टेंसेस ऑफ फेक एनकाउंटर्स बाय पुलिस आर ऑन द इंक्रीज एंड दैट पुलिस किल्स पर्संस इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिंग देम टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इफ ऑफेंसेस आर एल्ज्ड अगेंस्ट देम. अगर किसी ने क्राइम किया भी है उसे एक लॉ का प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है. अगर आप एक्साइटमेंट में लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहां पर सिविलाइज सोसाइटी का एंड होना शुरू हो जाता है. समझ रहे हो, इट इज नॉट अ मूवी. अब आजकल कई मूवीज हैं जिसमें इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट की जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी आई थी आपने देखी हो अगर सिम्बा, उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज रिप्रेजेंट की गई थी. पर यह एक सोसाइटी का एम नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये मूवीज देखने में अच्छी तो लगती हैं पर यह एक सोसाइटी का एम नहीं है. सोसाइटी सिविलाइजेशन जो है वो लॉ के ऊपर चलती है, एक प्रोसेस के ऊपर चलती है एंड दैट प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड. तो एमएन साहब ने चीफ मिनिस्टर्स को ये लिखा, भैया पब्लिक बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रही है, फेक एनकाउंटर जो है वो बढ़ रहे हैं, पुलिस जो है कानून हाथ में ले रही है. आपने अक्सर मूवीज में ये लाइन सुनी होगी कि कानून पुलिस को हाथ में लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. पुलिस फोर्स और वेदर इट इज एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज टू वर्क विद इन द लिमिटेशंस ऑफ लॉ. अगर आप लॉ के लिमिटेशंस में काम नहीं कर रहे देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है. वहां पे ऑटोक्रेसी आ सकती है, अराजकता आ सकती है, ठीक है. तो एनएचआरसी ने फिर कुछ गाइडलाइंस इशू की. सबसे पहले तो एनएचआरसी ने कहा कि दो केसेस हैं, दो सिचुएशंस हैं जहां पर अगर पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल का एनकाउंटर करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, तो वो उसको बिल्कुल जस्टिफाई कर देंगे. पहला, इफ डेथ इज कॉज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अगर अपनी डिफेंस करते हुए पुलिस के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल फायर कर रहा है और क्रॉस फायरिंग में अगर वो क्रिमिनल मारा जाता है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर जो है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है. दूसरा, अंडर सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी. अभी सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी में क्या लिखा है, ये ऑथराइज करता है पुलिस को टू यूज फोर्स एंड दिस फोर्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू कॉजिंग डेथ इफ पुलिस feels necessary that to arrest the person accused of an offence punishable with death or imprisonment for life. अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस गई है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो sentences हैं, जो उसके खिलाफ जो criminal charges हैं, उनकी जो punishment है that is equivalent to death or life imprisonment. उस केस में पुलिस अगर encounter कर देती है तो उसको मान्य माना जाएगा. अब इन्हीं दो चीजों को तोड़ मरोड़ करके पुलिस जो है फेक एनकाउंटर्स को शो करती है कि देखो ये भागने की कोशिश कर रहा था या ये हमारे ऊपर गोली चला रहा था तो हमने इसको मार दिया, ठीक है. पर एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है वो अब जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. और इसी के ऊपर एनएचआरसी ने अब कुछ गाइडलाइंस दी. वो गाइडलाइंस क्या थी, सबसे पहले एनएचआरसी ने कहा कि अगर कहीं पर भी ऐसा एनकाउंटर होता है, ठीक है, और उस एरिया का पुलिस स्टेशन का जो भी इंचार्ज है उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसी कोई डेथ हुई है एनकाउंटर के केस में, तो उसको इस इंफॉर्मेशन को बकायदा ऑफिशियली रिकॉर्ड करना है, ठीक है. सबसे पहले क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है, रजिस्टर करना है. दूसरा, इन्वेस्टिगेशन. इसमें क्या बोला गया कि अगर पुलिस को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो एनकाउंटर हुआ उसमें कुछ गड़बड़ है, फेक एनकाउंटर होने के चांसेस हैं, तो ऐसी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस समय सफिशिएंट स्टेप्स लिए जाने चाहिए, इमीडिएट स्टेप्स लिए जाने चाहिए और जो सस्पेक्ट है उसके खिलाफ एक्शन या कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो जानी चाहिए एज सून एज पॉसिबल. कंपनसेशन, अगर ये पता चलता है कि एनकाउंटर वॉज फेक, ठीक है, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो उस केस में जिसका फेक एनकाउंटर किया गया है उसके जो फैमिली के लोग हैं उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एजेंसी. अब बात ये हो गई कि भैया एनकाउंटर हुआ, अब जिस थाने में कंप्लेंट रजिस्टर करने की बात हो रही है उसी थाने के पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया, किसी को ठोक दिया, ठीक है. अब उसी थाने में अगर आप लिखवाने चले गए कंप्लेंट, उसी थाने में अगर रजिस्टर करने चले गए, वो तो क्लीन चिट दे देगा कि भैया साहब ने तो कुछ नहीं किया, साहब ने तो कानून की रक्षा करी है और बहुत एक बड़े गुनहगार को मौत के ठिकाने लगा दिया, ऐसे गाने गाने लगेंगे वो.
ठीक है। तो इसीलिए एनएचआरसी ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि अगर वो पुलिस ऑफिसर उस एरिया का ही पुलिस ऑफिसर है और वो उसी पुलिस स्टेशन को बिलोंग करता है जहां पे अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराने जा रहे हो, तो इस केस में आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दोगे इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टेट, हर स्टेट की सीआईडी होती है, आप स्टेट की सीआईडी को दे दोगे, वो पुलिस स्टेशन जो है इंक्वायरी नहीं करेगा फिर, समझ रहे हो, ताकि जो है एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके, ट्रस्ट लेकर आया जा सके जनरल पब्लिक में। उसके बाद 2010 में जस्टिस जीपी माथुर जब चेयरमैन थे एनएचआरसी के, इस तरह के सवाल कई बार फैक्चुअल सवाल स्टेट वाले पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जब आपके जीपी माथुर साहब जो चेयरमैन थे एनएचआरसी के, उस समय इन्होंने ये सारी चीजें रिपीट की और इसके साथ साथ कुछ और नई चीजें ऐड की, कुछ और नई गाइडलाइंस इन्होंने ऐड की। अब रजिस्ट्रेशन के मामले में इन्होंने क्या कह दिया कि भैया सिर्फ उस पीछे क्या लिखा था कि रजिस्ट्रेशन शुड बी डन इन एन एप्रोप्रिएट रजिस्टर। अब एप्रोप्रिएट रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो माथुर साहब क्या कहते हैं अपनी गाइडलाइंस में कि भैया एफआईआर रजिस्टर होगी अगर आपके एरिया में एनकाउंटर हो रहा है, तो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जो है आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करें, व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट पुलिस एलिजिंग कमिटिंग ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट रिकॉग्नाइज्ड एज कॉग्निजेबल केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, एन एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, ठीक है। उसके बाद मैजिस्ट्रियल पर, अगर अब एनकाउंटर का ऐसा कोई केस आता है तो आप मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी उस केस में कंडक्ट करवाएंगे कि क्या रीजन था डेथ का, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसको विद इन 3 मंथ्स जो है आप शुरुआत इसकी करवा देंगे, इसको जल्दी से जल्दी इसके नतीजे निकलवाए जाने चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद रिपोर्टिंग टू कमीशन। कमीशन ने 2010 में यह भी बोला कि कोई भी ऐसी डेथ हो रही है पुलिस एक्शन के दौरान, ठीक है, उसको आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो रिपोर्ट कौन करेगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, ठीक है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज योर एसएसपी या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उस डिस्ट्रिक्ट का, विद इन 48 आवर्स ऑफ सच डेथ, ठीक है। ये टाइम पूछा जा सकता है कि कितने टाइम में एनएचआरसी ने कहा, लेकिन ये सब मान्य नहीं है क्योंकि आगे चल के अभी सुप्रीम कोर्ट जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो यहां पर ये आ गया स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जब आगे चल के गाइडलाइंस दी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एनएचआरसी को इन्वॉल्व करना मैंडेटरी नहीं है जब तक बहुत ज्यादा सीरियस डाउट ना हो कि जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई गई है वो इम्पार्शियल थी, वो पार्शियल थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर ऐसा कोई डाउट हो कि पार्शियलिटी आई है तभी आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे कमीशन को। उसके बाद एक रिपोर्ट तो ये होगी, उसके बाद इसने कहा दूसरी रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट में ये क्या कहता है कि अ सेकेंड रिपोर्ट मस्ट बी सेंट इन ऑल केसेस टू द कमीशन विद इन 3 मंथ्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन लाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में क्या आया, सीनियर ऑफिसर्स की इंक्वायरी में क्या आया, तो ये सारी पूछताछ भी हमें करके बताइए। तो ये थी कुछ एनएचआरसी की गाइडलाइन। उसके बाद आ जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ बोला, तो एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, उस केस का नाम था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एनएएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये एक केस था महाराष्ट्र में जो एनकाउंटर्स हो रहे थे उससे रिलेटेड एक केस आया 2014 में, और उस समय जो बेंच जिसने गाइडलाइंस दी उसको हेड कर रहे थे उसके चीफ जस्टिस, उस सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस आरएम लोधा, और साथ में इनके जूरिस्ट जो थे वो थे जस्टिस रोहिंतन एफ नरीमन। तो इन लोगों ने, इस एक बेंच ने कुछ 16 पॉइंट की गाइडलाइंस दी जो फॉलो करनी होगी पुलिस एनकाउंटर के समय। अब ये 16 जो पॉइंट्स हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुलिस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, ओके। सबसे पहला, रिकॉर्ड टिप ऑफ। अब बहुत बार ऐसा होता है पुलिस कह देती है कि भैया हमें इंटेलिजेंस मिली कि ये कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाली है और इसी वजह से हमने टिप की वजह से जा करके वहां पर हम पहुंचे और वहां पर हमने देखा तो एनकाउंटर वाली सिचुएशन बन गई और हमने कर दिया कांड, ठीक है। अगर आपने एक अभी अमेजोन ओरिजिनल पे एक सीरीज आई थी पाताल लोक, ठीक है, पाताल लोक एक अगर आपने देखी है अमेजोन ओरिजिनल पे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से सवाल आएगा, जस्ट जिन्होंने देखी है, एंटरटेनमेंट से जब हम चीजों को जोड़ते हैं तो बेहतर समझ पाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया, वो कह देते हैं हमें टिप मिली, तो वो पुलिस ऑफिसर उनसे पूछता है कि कहां मिली टिप, कह रहे बस रैंडम फोन आया था, ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्टेड एनकाउंटर का सबसे पहला स्टेप होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि अगर पुलिस को ऐसी कोई इंटेलिजेंस मिलती है या ऐसी कोई टिप मिलती है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है, तो इसको उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड करना है राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। अगर फोन आ रहा है तो फोन कॉल वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए,
ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि भले ही ये जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, ये जो सस्पेक्ट है उसकी डिटेल्स ना रिवील करे, लोकेशन ना रिवील करे, दैट डज नॉट मैटर, पर आपको रिकॉर्ड करना होगा, आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, FIR रजिस्टर कीजिए। इफ इन परसुएंस टू अ टिप ऑफ द पुलिस यूजेस फायरआर्म्स एंड दिस रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ अ पर्सन, देन एन FIR इनिशिएटिंग प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट विदाउट डिले। अब यहां पर मेंशन नहीं किया गया कि कौन से कोर्ट को फॉरवर्ड करना है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करने की बात कर रहा है। तो FIR रजिस्टर करने के लिए NHRC की गाइडलाइंस भी बोल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी बोल रही हैं, तो ये दोनों में सेम है। उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रोब करने के लिए बोला कि देखो, अगर ऐसी कोई डेथ हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन उसकी जो होगी वो इंडिपेंडेंट CID टीम करेगी या पुलिस टीम करेगी किसी दूसरी पुलिस स्टेशन के, उस पुलिस स्टेशन की टीम नहीं करेगी जिस पुलिस स्टेशन की टीम ने एनकाउंटर किया है, ठीक है। और इसको, इस सारी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज एक सीनियर ऑफिसर करेगा, ओके। और 8 मिनिमम इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे विक्टिम को आइडेंटिफाई करना, रिकवर करना जो भी एविडेंसेस हैं, सीन ऑफ विटनेस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये सब इंडिपेंडेंट प्रॉब की बात कर दी। NHRC ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली थी, पर NHRC विच इज नोन एज द टूथलेस टाइगर, तो उसके दांतों में वो धार नहीं थी, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली 2014 में कि अब तो सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद 4th, मैजिस्ट्रियल प्रॉब, अगेन इसकी बात भी NHRC की गाइडलाइंस ने की थी कि भैया मैजिस्ट्रियल प्रॉब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्म NHRC या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आप इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली इन केस ऑफ डेथ कि हाँ भाई ऐसा कुछ एनकाउंटर हो गया है। मेडिकल एड, अगर कोई इंजर्ड विक्टिम है, क्रिमिनल है, ठीक है, तो डेथ किस वजह से हुई, किस तरह से हुई, वो सारी स्टेटमेंट जो है वो मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नो डिले, फटाफट से FIR को आप फॉरवर्ड करेंगे, पंचनामा, स्केच, पुलिस डायरी एंट्रीज टू द कंसर्न्ड कोर्ट्स विदाउट एनी डिले। सब कुछ फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि महीनों निकल गए और सारे सबूत धुल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेंड रिपोर्ट टू द कोर्ट आफ्टर फुल इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट, अ रिपोर्ट मस्ट बी सेंट टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंट कोर्ट लिख दिया, मतलब कि जो भी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहाँ पर आप पहुँचाएंगे और एक्सपीडिशियस ट्रायल जो है शुरू किया जाएगा। इन्फॉर्म किन, अगर क्रिमिनल की डेथ भी हो जाती है तो आप उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके भाई बहन बंधु माँ बाप जो हैं, उनको इन्फॉर्म करेंगे जितना जल्दी हो सके। सबमिट करेंगे रिपोर्ट, बायएनुअल स्टेटमेंट ऑफ ऑल एनकाउंटर किलिंग्स मस्ट बी सेंट टू NHRCs बाय द DGPs बाय अ सेट डेट इन सेट फॉर्मेट। तो साल में 2 बार आप जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, तो DGP अपने अपने एरियाज के एनकाउंटर की रिपोर्ट जो है बना करके हर 6 महीने में NHRC को सबमिट करेंगे। प्रॉम्प्ट एक्शन अमाउंटिंग टू एन ऑफेंस अंडर IPC, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर वो गिल्टी फाउंड होते हैं, और अगर गलत एनकाउंटर किया है तो उस समय के लिए गिल्टी फाउंड होने के बाद जब तक पूरे चार्जेस उनके अगेंस्ट प्रेस नहीं हो जाते तो उनको ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 12th, द कंपनसेशन। तो कंपनसेशन की बात आपके NHRC ने भी की थी कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो भी विक्टिम के डिपेंडेंट्स हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा एज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 357A ऑफ योर CRPC। सरेंडरिंग वेपन्स, जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उस एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे, उनको अपने वेपन्स, जिन वेपन्स को उन्होंने यूज़ किया एनकाउंटर में, उनको सबमिट करना होगा फॉरेंसिक के लिए, एनालिसिस के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट टू द राइट्स मेंशन अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। लीगल एड टू ऑफिसर, जो ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्व थे, उनको पूरा हक है कि उनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाए प्रॉपर, ठीक है, उनकी फैमिली को जो है प्रॉपर एक लॉयर और काउंसलर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद प्रमोशन, नो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। अब एक चीज होती थी, आपने मूवी देखी होगी, एक अगेन मैं मूवी के ऊपर जा रहा हूँ, जॉली LLB 2, ठीक है। तो जॉली LLB 2 में क्या दिखाया है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है वो फेक एनकाउंटर में इसीलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन मिल जाती है। तो इट इज शोन इन दैट मूवी कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप फेक एनकाउंटर करवा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में क्या बोल दिया कि भैया देखो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसके ऊपर इस तरह के कुछ चार्जेस चल रहे हैं, जो एनकाउंटर किलिंग में इन्वॉल्व है, जब तक ये सब कुछ
क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दे सकते। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन क्या होता है? आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है कि भाई अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि हर दो साल में आपकी प्रमोशन होगी, फॉर एग्जांपल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रमोशन होनी थी दो साल बाद, लेकिन एनकाउंटर के तुरंत बाद आपको कह दिया कि भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया, ले तेरे को प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रमोशन दो साल बाद हो सकती है उसकी अभी भी, जो उसकी जायज प्रमोशन है, जो अकॉर्डिंग टू द सर्विस कंडीशंस और सर्विस रूल्स के हिसाब से है। पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दे सकते एज अ गिफ्ट, ना आप उनको गैलेंट्री अवार्ड्स देंगे जब तक सब कुछ प्रूफ नहीं हो जाता। ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर विक्टिम के फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हें लगता है कि जो भी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं वो फॉलो नहीं हो रही, तो वो एक कंप्लेंट जो है सबमिट कर सकते हैं सेशन जज को उस एरिया के। और जो कंसर्न सेशन जज है वो देखेगा मेरिट्स में कि जो कंप्लेंट हो रही है फैमिली के द्वारा उसमें कितना सच है और कितना झूठ, एंड अकॉर्डिंगली वो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ ये बोला कि ये जो गाइडलाइंस हैं दीज हैव टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड इन केसेस ऑफ ऑल डेथ्स एंड इंजरीज इन यू नो पुलिस एनकाउंटर्स By treating these guidelines as law declared under Article 141 of the Indian Constitution, Article 141 आप लोग सब जानते हैं कि Supreme Court को बहुत wide powers देता है, okay, to frame the guidelines, to frame the law. All right. So इसके under ये guidelines अब implement की जाती हैं। तो हर encounter के समय ये सारे actions जो हैं उस area की police force को लेने जरूरी होते हैं। All right. तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? एनएचआरसी की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को हमने डिस्कस कर लिया। डायरेक्टली पॉइंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी इलैबोरेट या फिर कोई भी आपका मेंस का क्वेश्चन आता है वहां पर आप डायरेक्टली इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, सुप्रीम अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑफ 2014 और अकॉर्डिंग टू द एनएचआरसी गाइडलाइंस ऑफ दिस, यू कैन इजीली राइट योर आंसर। और इस बार दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पहले तेलंगाना में हुआ था ऐसा केस और अब ये यूपी वाला हो गया है, तो मेंस में क्वेश्चन बन जाए बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑलराइट, ओके। सो अब यहां पर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें लिख सकते हैं onshikshit@gmail.com। ओके, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, और कमेंट में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आया हो, मज़ा आया हो, और किसी का कोई भी इनपुट हो, पढ़ाई अच्छी ना लगी हो या मेरा पढ़ाना अच्छा ना लगा हो, तो आप रिस्पेक्टेबल वे में क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिए सेहत का और अपना भी, और पढ़ाई जारी रखिए। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।